गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इधर बहुत सारे डब्बे हैं और इन डब्बों में जो है वो है मेरा MT-15 के लिए बहुत सारा मॉडिफिकेशन का सामान है। और मतलब मेरा MT को मैं बनाने वाला हूँ मस्त। आज वैसे जाने वाला हूँ, मैं इन सबको इंस्टॉल करवाने वाला हूँ मेरे MT में। तो पहले इन सबको अनबॉक्स करते हैं। वैसे मुझे भी नहीं पता कि कौन से बॉक्स में क्या है, तो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं, एक एक करके सब कुछ देखते हैं किसमें कौन से में क्या आया है। बहुत सारे गार्ड वगैरह है, कुछ भी है। पहले देखता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि MT के लिए मैंने क्या क्या सामान मंगवाए हैं। चलो, ये पहला वाला सामान आया है जो कि है ग्लव्स। क्वालिटी तो बहुत सही है, मस्त स्टील वर्क का राइडिंग ग्लव्स जो कि मैंने मंगवाया था भाई, बहुत सही है क्वालिटी तो भाई, बहुत सही है। चलो, एक सामान तो मस्त आ गया। फिर दूसरा वाला बॉक्स, इसमें क्या आया है? हो गया इतना। मुझे लगता है ये रेडिएटर गार्ड होगा। हाँ, ये रेडिएटर गार्ड है। MT का जो रेडिएटर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक गार्ड मंगवाया था। ये रहा MT का रेडिएटर गार्ड। ओके, तो देखते हैं खोल खाल के। ये रहा इसका रेडिएटर गार्ड जो कि बहुत सही लग रहा है। ब्लैक रेड में किया हुआ है, सही है, अच्छा है। अब ये हमारा थर्ड पैकिंग, थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है ये। चलो इसको भी खोलते हैं। पैकिंग भाई साहब, क्या तगड़ा वाला पैकिंग किया है लोगों ने। ये आया है क्या? अच्छा, ये है वो दो कार्ड, ले कार्ड जो मतलब इसको बोलते हैं फ्रेम स्लाइडर। आपका जो बाइक जब अगर गिरेगा, जो कि मतलब चाहता तो नहीं कि बाइक गिरे, लेकिन अगर बाइक गिरे तो मतलब ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, गार्ड है ये, इसको बोलते हैं फ्रेम स्लाइडर। पैकिंग देखो भाई, क्या जबरदस्त पैकिंग किया है। ये है फ्रेम स्लाइडर, ये रहा फ्रेम स्लाइडर जो कि एक लेफ्ट में लगेगा, एक राइट में लगेगा। ये है फ्रेम स्लाइडर, क्वालिटी तो भैया बहुत सही है, बहुत भारी है रे बाबा। अभी चौथा सीधा मिड से भाई ढाप करके अपना कौन मशक करते हैं। ये है शायद से, हाँ ये है मिरर्स, बार मिरर्स, बार मिरर्स जो कि मैं मेरा जो मिरर्स है उसको खोलने वाला हूँ और ये वाले मिरर्स इंस्टॉल कर दूंगा। ये वाले मिरर्स को मैं इंस्टॉल कर दूंगा। 360 व्यू है इसका। ये वाले मिरर्स जो कि बार मिरर्स है, हैंडल बार में फिट हो जाएंगे। एक रहा ये और दूसरा रहा ये, इसको रखता हूँ साइड में। फिर आया ये बॉक्स, तो बहुत हल्का लग रहा है, पता नहीं इसमें क्या आया है। इसमें आया है टेल्ड आईडी, जो ये है MT का टेल्ड आईडी। इसका मैं टेल्ड आईडी करवाने वाला था, तो ये आ गया है, तो स्पेशली MT का ही है, MT का टेल्ड आईडी। ये है MT का टेल्ड आईडी जो कि मस्त पीछे लग जाएगा। चलो, और लास्ट ये बॉक्स है, हमारा लास्ट बॉक्स है। पैकिंग तो जबरदस्त है भाई। अच्छा ओके,
सो ये आया है विंग, जो कि लाइट के जो पीछे है, सॉरी लाइट के नीचे लग जाएगा ये वाला विंग जो लाइट के नीचे लग जाएगा, ऐसे फिट होगा ये। ये है मेटल वाइजर, ये रहा वाइजर। ओ भाई इसका क्वालिटी देखो, मस्त पूरा मेटल का है। तो अभी मैं जाऊंगा, इन सब को इंस्टॉल करवाऊंगा और उसका भी वीडियो आएगा, ब्लॉग आएगा उसका भी। और इंस्टॉल ये सब कुछ डलवाने के बाद, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मेरा एमपी का लुक जो कैसा आ रहा है, ठीक है। और चलो मैं इंस्टॉल करवा के आता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।